बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमरेज उड़ैच और आप देख रहे हैं शमरेज उड़ैच यूट्यूब चैनल एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम आफ्टर इफेक्ट में जो पहले से बनी हुई टेम्पलेट है, जैसे आप यूट्यूब से या कहीं से प्री मेड टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं या किसी भी साइट से आप प्री मेड आफ्टर इफेक्ट की टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं, तो उसको हम एडिट किस तरह कर सकते हैं, उसमें जो प्लेस होल्डर है उसको हम किस तरह एडिट कर सकते हैं, उसका टेक्स्ट जो है उसको किस तरह चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी के टाइटल हम उस तरह लगा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। ये आपके सामने एक टेम्पलेट ओपन है, तो सबसे पहले आपको इसमें पाँच चीज़ें, इधर ये वाला अगर आप कॉर्नर देखें तो यहाँ पर आपको पाँच, तीन फोल्डर हैं और दो सीक्वेंस नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले वाला जो फोल्डर है उसके अंदर होल्डर, तो यहाँ पर हमारा जो इमेज है उसके प्लेस होल्डर बने हुए हैं, और दूसरे में टेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारा जो है टेक्स्ट वगैरह वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, उसके प्लेस होल्डर इस फोल्डर में है। और तीसरा जो है ये एसेट्स, तो ये हमारे रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर सारे जो एसेट्स इसके अंदर टेम्पलेट के अंदर यूज हुए हैं वो सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं, अगर हम उसको भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक्सपर्ट, अगर आप आफ्टर इफेक्ट में एक्सपर्ट हैं तो फिर आप इसको छेड़छाड़ कर सकते हैं, वरना इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, आपकी टेम्पलेट जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये दो फोल्डर हमने सिर्फ इनको चेंज करना और अपने जो इमेज है इनके अंदर और टेक्स्ट अपनी मर्जी का इसके अंदर रख लेना। उसके लिए मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ ताकि यहाँ पर मैं अपने जो इमेज रिप्लेस करने हैं वो यहाँ पर रिप्लेस कर सकूँ, और जस्ट कोई भी नाम रख सकते हैं आप। एक ये फोल्डर है, अब मैं यहाँ से अपने इमेज जो मैंने रखने हैं वो एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो इमेज ओपन करने के दो तरीके हैं, आप सिंपली ये जो ब्लैक एरिया ये वाला हिस्सा है प्रोजेक्ट विंडो, यहाँ पर आप डबल क्लिक करें माउस के साथ तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, तो यहाँ से आप अपने जो इमेज है वो जो आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो ओपन कर लें। तो यहाँ से मैं कुछ 10-12 इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर इनको इंपोर्ट, और ये ध्यान रखना है आपने यहाँ पर कहीं भी ये चेक मार ना लगाओ, चेक मार अगर यहाँ पर इंपोर्ट जेपीजी सीक्वेंस चेक मार्क लगा हुआ है तो ये सारे एक इमेज के अंदर ओपन हो जाएंगे, वो एक सीक्वेंस बन जाएगा, जैसे ये सीक्वेंस से आ रहे हैं इमेज तो ये एक सीक्वेंस बन जाएगा, तो आपने ये ध्यान रखना है इसको यहाँ से अनचेक मार कर देना अगर आपका टिक लगा हुआ है। तो यहाँ से इम्पोर्ट, अब ये हमारे सारे इमेज हैं यहाँ पर इम्पोर्ट हो गए हैं, तो इनको मैं उठा कर इस फोल्डर के अंदर रख लेता हूँ, तो यहाँ पर भी पड़े हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये अगर स्पेस इतनी नहीं होती तो इसलिए इसको फोल्डर के अंदर रखने अरेंज हो जाए। अब सबसे पहले ये वाला जो है पहला कॉलम हमने यहाँ पर एडिट होल्डर ए, इसके अंदर क्या है हमारे सारे जो होल्डर हैं पिक्चर वो यहाँ पे होंगे, 11 प्लेस होल्डर बने हैं तो ये 11 पिक्चर इसके अंदर हमने ऐड कर सकते हैं, इसकी हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं इसको, लेकिन वो किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने पहले ये वाले सारे नीचे से क्लोज कर लें, ये टैब जो है, उसके बाद बारी बारी इन पर डबल क्लिक करते जाएं, ये सारी विंडोज इधर ओपन होती जाएंगी, सब पे आपने डबल क्लिक करते जाना है एक ही दफ़ा। ये 11 के 11 हमने ये नीचे आप देख सकते हैं ओपन कर दिए, सबसे पहले वाले में आ जाना है यहाँ से फोल्डर वन जो है, अब इसके अंदर आके यहाँ पर हमने अपने इमेज जो है वो पेस्ट करते जाने हैं। तो ये हमारी पिक से आप ये वाला फोल्डर हम ओपन कर लेते हैं, और बारी बारी उठाकर ये पहली पिक है यहाँ से उठाकर ये नीचे आप देखते हैं रिप्लेस इमेज ये लगा हुआ है, यहाँ पर हमने इसके ऊपर रखते जाने और इसको हाइड कर दें या इसको डिलीट कर दें, तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद ये पिक्स वाला फोल्डर मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से आप पहला इमेज उठा के यहाँ पर इस इमेज के ऊपर रख दिया, तो ये नीचे वाला यहाँ पर लिखा भी हुआ है रिप्लेस में, अगर नहीं भी लिखा हुआ तो आपने इमेज जो है वहाँ से उठाना है और इस इमेज के ऊपर जो भी अगर एक इमेज है ये ऊपर इफेक्ट लगे हुए हैं तो इनको इसी तरह रहने देना है। ये मास्क, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो इधर ब्लू मास्क लगा हुआ है, ये एक प्लेस होल्डर बना हुआ है, तो इसको हमने हाइड ही रखना है, यहाँ पर हमने अगले ऊपर ये दोनों इफेक्ट हैं तो इफेक्ट इस इमेज के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अगर आप इसको इमेज को यहाँ से उठा के फ्रंट पे रख देते हैं
तो ये देख सकते हैं आपके इफेक्ट जो है वो नीचे चलेंगे, आप इफेक्ट इमेज पे हमारे नहीं आ रहे, जिस तरह का हमारा इमेज है बिल्कुल उसी तरह हमें शो होगा। तो ये इफेक्ट अगर आप रखना चाहते हैं तो ऊपर इसको इमेज को उठा के इन इफेक्ट के नीचे ले आए, अगर नहीं लगाना चाह रहे तो आप चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि हमारा इमेज एडिट ही रहे तो इमेज को फ्रंट पे ले आए। तो मैं इफेक्ट वगैरह साथ चाहता हूँ इसमें अंदर ही रहें, तो इसलिए मैं इसको इन इफेक्ट के नीचे रखता हूँ। तो ये हमारा पहला जो है, आप इसको ये देख सकते हैं आप इमेज जो है बहुत बड़ा है, उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं होता, अब इमेज को हमने एडजस्ट करना है। तो इमेज पे क्लिक करने के बाद हमने कीबोर्ड से एस दबाना है, तो जैसे ही हम एस दबाएंगे तो स्केल की जो प्रॉपर्टी है वो इधर आ गई है, तो ये 100% है, यहाँ से हम इसको साइज जो है वो अपने इमेज के लिहाज से एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा इमेज है यहाँ पर एडजस्ट हो गया। तो उसके बाद इसी तरह हम बारी बारी सारे प्लेस ऑर्डर हैं, ये वन वाला, तो हमने लास्ट वाला इमेज पहले एडिट कर लिया, अब वन वाले पे आ जाते हैं। तो वन वाले में यहाँ से उठाया इसी तरह और यहाँ पर रख दिया, उसके बाद कीबोर्ड से एस दबाया, तो एस के बाद इसकी अब स्केल जो है हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये उसके बाद अब टू वाले में आ जाएँ, अगली तस्वीर टू में रखी है, उसके बाद एस कीबोर्ड से अब इसका स्केल एडजस्ट कर लेना है। तो ये ध्यान रखना है कि आपने इमेज को इस तरह, ये जो ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है ब्लैक एरिया नहीं नज़र आना चाहिए, तो इमेज हमारा पूरा कवर होना चाहिए, नहीं तो फोटो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसके बाद बारी बारी आपने सारे प्लेस होल्डर के अंदर ये इमेज इसी तरह रिप्लेस करते जाना है, एस, उसके बाद फोर। तो यहाँ से वीडियो में आगे थोड़ी सी तेज करने लगा हूँ, स्पीड अप, ताकि आपको आपका टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। तो सेम प्रोसेस है, प्रोसेस मैंने पहले बता दिया, तो इसके बाद आप जल्दी जल्दी में आगे करने लगा। तो ये मैंने बारी बारी सारे इमेज रिप्लेस कर दिए हैं, अब हम चलते हैं टेक्स्ट की जानब, हम टेक्स्ट को किस तरह एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाले सारे टैब क्लोज कर दिए हैं, अब जो है इधर से आप पहले चेक कर लें कि कौन सा मैंने टेक्स्ट चेंज करना है और कौन सा रखना है। सबसे पहले ये जो नज़र आ रहा है आपको ये रेंडर फाइल, इसका मतलब है कि ये फाइनल जो हमने रेंडर करनी है वो यहाँ से होनी है, ये दो है, एक 1280 720 पिक्सल में और दूसरी 1080 पिक्सल में है, ये फुल HD है और ये YouTube वगैरह ये भी HD क्वालिटी है, दोनों HD क्वालिटी में, ये 720 पिक्चर में और ये 1080 पिक्सल में है। तो ये हमारे सारा हर इमेज के ऊपर टेक्स्ट जो है आ रहे हैं। तो अब टेक्स्ट को हमने चेंज करना है, तो उसके लिए टेक्स्ट वाले टैब में चले जाएँ, पहला एडिट टेक्स्ट वन, तो यहाँ से इस पर क्लिक करें, ये हम टेक्स्ट वाले आ गए, यहाँ क्रिएटेड बाय लिखा हुआ, अपनी मर्जी का जो भी आप टेक्स्ट रखना चाहते हैं यहाँ पे रख लें, यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख लें, यहाँ जो भी आप टेक्स्ट रखना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, ये तो पहले वाला, उसके बाद ये सेकंड वाला जो है ये टेक्स्ट है, यहाँ पे भी आप नाम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। इसको चेंज करने के लिए ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर आपका ये मूव टूल है, सिलेक्शन टूल, उसके बाद ये टाइप टूल है, टाइप टूल सिलेक्ट होना चाहिए तब ये टेक्स्ट हमारा जो है एडिट होगा। उसके बाद ये लास्ट वाला तीसरा, यहाँ पे तीसरी लाइन आप जो भी रखना चाहते हैं, वो तो यहाँ पर रख सकते हैं। इस तरह आपने बारी बारी सारे जो टैक्स वाले हैं उनको, जो भी आप टैक्स चेंज करना चाहते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो कुछ स्लाइड है उनके ऊपर टेक्स्ट ना आए, मैं नहीं चाहता वहां पर टेक्स्ट आए, तो क्या करना है, सिंपली आपने फर्ज करें ये फोर वाला जो है, इस पर मैं चाहता हूँ कि इस पिक पर कोई टेक्स्ट ना आए, तो आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है और यहाँ से आके ये जो लेयर है आई का ऑप्शन है, इसको हाइड कर देना है, यहाँ ऊपर से टेक्स्ट रिमूव कर देना। इसी तरह ये वाला, इसी के अंदर तीन है, हर ये तीन तीन प्लेस होल्डर बने हुए हैं, तो ये सारे तीन मैंने हाइड कर दिए। तो अब हम चल के अपनी फाइनल वीडियो के अंदर देखते हैं कि जो फोर वाली हमारी है लेयर, उसके ऊपर
डेप्थ है या नहीं है। ये फर्स्ट, ये हमारा फोर वाला इमेज आ गया। तो फोर वाले इमेज भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट हमारा शो नहीं हो रहा। तो अब हमने इस वीडियो को रेंडर करना है। तो रेंडर करने के लिए आपने सबसे पहले मेन जो लिखा हुआ है ये, या मेन सीक्वेंस बोलते हैं इसको, उसके ऊपर आना है। यहाँ पर अगर आप किसी भी एक आने के अंदर होंगे तो वो सिर्फ यही रेंडर होगा, यही हमारी वीडियो में शो होगा। तो इसके लिए आपने यहाँ पर आना है मेन के ऊपर। हर टेम्पलेट के अंदर अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें ये मेन सीक्वेंस जो है वो बना हुआ होगा, वो उसको आपने आके रेंडर करना है। तो इस पर डबल क्लिक करें, आप इस वाले मेन सीक्वेंस में आ गए हैं। तो मैं 720 पिक्सल में रेंडर करने लगा। आपने अगर हाई क्वालिटी में रेंडर करनी है तो इसमें भी आप रेंडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद, इसके बाद आप कंट्रोल एम कीबोर्ड से, इसका शॉर्टकट है, या कंपोजिशन के अंदर आएँ, उसके बाद एड टू रेंडर क्यू। तो रेंडर क्यू के अंदर जैसे ही आएंगे आपके, तो आपकी मेन सीक्वेंस जो है वो रेंडर क्यू के अंदर आ गया। यहाँ से आपने क्या करना है, इसको सेटिंग कर लेनी है, बेस्ट सेटिंग। अगर तो आप MP4 में इसको रेंडर करना चाहते हैं तो यहाँ से फिर क्यू करके वीडियो एनकोडर में ले जाएं। आफ्टर इफेक्ट के अंदर MP4 H.264 फॉर्मेट जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से आपने जस्ट रेंडर पे क्लिक करना है तो ये वीडियो रेंडर होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन मैं इस वीडियो को MP4 फॉर्मेट में रेंडर करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्यू करके इसको वीडियो एनकोडर में ले जाऊँगा। तो ध्यान रहे कि अगर आपके पास जो आफ्टर इफेक्ट का वर्जन है उसी वर्जन का वीडियो एनकोडर भी होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया ये वीडियो एनकोडर के अंदर। तो ये देख सकते हैं आपका फॉर्मेट क्या आ गया, H.264, ये MP4 वीडियो का फॉर्मेट है। तो यहाँ से आपने सिर्फ इस बटन पे क्लिक करना है और आगे से रेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो आप रेंडरिंग में ये थोड़ा टाइम लेगा, हो सकता है 30-40 मिनट ले ले। तो इसके लिए तो मैं 30-40 मिनट तक रेंडर होने का वेट नहीं करूँगा। तो जस्ट ये उसके बाद मैंने ये आपको सिर्फ सिखाने के लिए किया था। तो यहाँ से आपने इस वीडियो को रेंडर कर लेना है। उसके बाद आप, मैं इस वीडियो को यहाँ पे स्किप कर दूंगा, जैसे ही रेंडर हो जाएगी तो एंड पे आपको रिजल्ट भी दिखा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मेरे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़।